जिला आबकारी कार्यालय से शराब की तस्करी के मामले में सीज नए ट्रैक्टर के चोरी होने के मामले में सहायक आबकारी आयुक्त की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने सहायक आबकारी आयुक्त जनपदीय प्रवर्तन समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 1500 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। एसपी ने बताया कि आबकारी विभाग ने 29 अगस्त को गदरपुर में दबिश के दौरान शराब तस्करी में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया था, जबकि तस्कर फरार हो गए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय परिसर में खड़ा किया गया था। 4 सितंबर को नया ट्रैक्टर चोरी हो गया और उसके बदले पुराना ट्रैक्टर खड़ा किया गया था। मामले में पंतनगर थाने में दो पूर्व पीआरडी जवानों समेत धर्मवीर पर केस दर्ज कराया था। सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, पारदर्शी गवर्नेंस देना है। विगत दिनों एक बहुत संवेदनशील घटना उजागर हुआ था, आप सभी लोगों ने भी उजागर किया था, बहुत संवेदनशील था। आबकारी विभाग द्वारा 29 को 29 तारीख को एक बहुत भारी मात्रा में शराब का पकड़ा जाता है, 100 पेटी शराब 7 लाख का कीमती है। उसमें एक नया ट्रैक्टर ट्रॉली को भी मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली में ये 100 पेटी शराब लाते हुए पकड़ा जाता है। बाद में जानकारी मिलता है कि आबकारी ऑफिस से वो जो नया ट्रैक्टर है उसको तुरंत रातों रात किसी ने चेंज करके वो मतलब उसको पुराना ट्रैक्टर में चेंज कर दिया गया है। मात्र मतलब 50,000 1 लाख कीमती पुराना खंडर ट्रैक्टर को चेंज कर दिया है।